नमस्कार, आज मैं आप लोगों को SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का प्लान बिल्कुल ही शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। हम जिस संस्था में काम करते हैं उसका नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट नेम हुआ AWPL। SLPS एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक भाषा में इसे गॉड ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। कंपनी की स्थापना 9 नवंबर 2014 को द्वारका सेक्टर 17 में हुई थी। हमारे MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार हैं। सर आर्मी से रिटायर्ड हैं और सबसे खास बात ये है कि डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं उनका एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंटायटीज ऑफ इंडिया। संजीव सर उसके प्रेसिडेंट हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस की बात करूं तो SLPS वेलनेस को पिछले 9 साल में जितने अवार्ड मिले हुए हैं उतने डायरेक्ट सेलिंग में 25 साल की भी कंपनियों को नहीं मिला है। मैं इस संस्था में एक हेल्थ एंड वेल्थ एडवाइजर के तौर पे काम करता हूं। हम लोग एक मिशन के तहत इस संस्था से जुड़े हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे इंडिया की सबसे बड़ी समस्या बीमारी और बेरोजगारी है और हम लोग इस मिशन में लोगों को बीमारी बोलिए तो लाइफ स्टाइल डिजीज, एक तो होती है बीमारी जो मतलब जन्म से होती है और एक होती है बीमारी जो हमारे खान पान और रहन सहन से होती है, ये बाद में होती है, तो लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं उसे। लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं और उनकी आर्थिक हालत कैसे ठीक हो, उनके घर से गरीबी कैसे दूर हो, इसके बारे में हम लोगों को गाइड करते हैं। तो आदमी का जो शरीर है इसको स्वस्थ रखने के लिए 7 पोषक तत्व, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, इन 7 तत्वों का उचित मात्रा में मिलना आवश्यक होता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी है, क्या होता है कभी कुछ मिलता है, कभी खाना मिलता है तो पानी नहीं, पानी मिलता है तो कुछ नहीं। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब इन 7ों में से किसी का भी डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, हार्ट डिजीज, कैंसर, शुगर और भी जो भी बीमारी बोलिए वो सब बीमारियां लाइफ स्टाइल डिजीज कहलाती हैं। और इंडिया के बारे में ऐसा बोला जाता है कि भारत लाइफ स्टाइल डिजीज का राजधानी है, क्योंकि हमारे यहाँ हर 10 आदमी में 1 आदमी बीमार है, 8 आदमी अस्वस्थ हैं और मात्र 1 आदमी स्वस्थ है। पुराने ज़माने की जो बीमारियाँ होती थी क्या थी, मलेरिया, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब थी, इनके कारण बैक्टीरिया और मच्छर होते थे। इस पे तो हमारे मेडिकल साइंस ने काबू पा लिया है। आज आप नहीं सुनेंगे कि हैजा आया और गाँव का गाँव साफ हो गया, मलेरिया से कोई मर गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन नए जमाने की जो बीमारियां हैं वो है शुगर, BP, हार्ट की समस्या, कैंसर, अस्थमा, हड्डी की समस्या, आँखों की समस्या, बालों की समस्या, दांतों की समस्या, और ये सब बीमारियां जो लाइफ स्टाइल डिजीज है इस पर हमारे मेडिकल साइंस का कोई काबू नहीं है। अगर एक बार किसी को शुगर हो गया तो पूरी ज़िंदगी दवा खाएगा, बीमारी नहीं छूटेगी, और एक शुगर अपने साथ और कई बीमारियां लेके आएगा, किडनी खराब होगा, हार्ट की बीमारी होगी और ढेर सारी बीमारियां हो जाएंगी। वैसे ही हार्ट की बीमारी है ठीक नहीं होगी। तो रीज़न क्या है लाइफ स्टाइल डिजीज का? लाइफ स्टाइल डिजीज का कारण ये है कि पुराने ज़माने में जो हम लोग खाना खाते थे, हमारे पूर्वज जो खाना खाते थे वो विटामिन का काम करता था, मेडिसिन का काम करता था, लेकिन आजकल जो हम खाना खाते हैं वो स्लो पॉइजन का काम करता है। देखिए फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, जंक फूड, हर घर में जाइए आज स्वागत में लोग कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 250 ml कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी का मात्रा होता है। अब आप सोचिए अगर एक आदमी 16 चम्मच चीनी घोल के पी ले तो उसका शुगर लेवल कहाँ जाएगा, और उस शुगर के टेस्ट को मारने के लिए भी केमिकल डाला जाता है। बर्थडे में आइस, ये केक फैशन हो गया है, केक में केमिकल डाला जा रहा है।
आइसक्रीम में केमिकल डाला जा रहा है, कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, और सबसे बड़ा जो खतरा है आज रेडिएशन का है। रेडिएशन जो हम मोबाइल यंत्र लेके घूम रहे हैं, खास करके इस पॉकेट में रखते हैं, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा जड़ आजकल मोबाइल है। ये सभी जो चीज़ें हैं हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज के कारण है। अब क्या है सवाल, ये है कि क्या हम अपने पुराने ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हैं? हमारे जो पूर्वज जैसे रहते थे वैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। हम अपने दिनचर्या में सुधार करें और उसके साथ आयुर्वेदा का सपोर्ट लें। हम जिस संस्था में काम करते हैं 100% आयुर्वेदिक कंपनी है, कोई प्रोडक्ट किसी से कंपनी नहीं लेती है, हर एक प्रोडक्ट खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है, अपना ट्रेडमार्क है। और जो सबसे खास बात ये है कि हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सर्टिफाइड हैं। सभी प्रोडक्ट पे आयुष मंत्रालय का स्टैंडर्ड लोगो लगा हुआ है, उस पर मेंशन है क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट, आप इस प्रोडक्ट पे भरोसा कर सकते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं हमारा प्रोडक्ट किस मतलब दर्जे का है। अब कुछ प्रोडक्ट का बता दूं कि हमारी कंपनी लगभग 125 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ केयर से लेके होम केयर, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर तक के भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है। कुछ प्रोडक्ट के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे इम्यूनोडॉक है हमारा, उससे इम्यूनिटी बूस्ट होता है, नाम से ही क्लियर है, इम्यूनो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अस्थमा में भी फायदा करता है, पेट में कब्ज हो और भी मतलब कोई भी समस्या हो, खून की गड़बड़ी हो, सब में वो काम आता है। और सबसे जो खास चीज़ बता दूं कि वो अगर स्वस्थ आदमी भी पीता है तो उसके बॉडी की सर्विसिंग कर देता है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है जैसे थंडर ब्लास्ट, ये नस के समस्या के लिए होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए होता है, शरीर में वीकनेस के लिए होता है, और भी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। कार्डियोडॉक है, नाम से क्लियर है, हार्ट के लिए है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी इस प्रोडक्ट को साल में 1 से 2 बोतल यूज करता है, उसको ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, और पुराने लोगों का भी हार्ट एक बच्चे की तरह हो जाएगा। वैसे ही क्लोरोडॉक है, खून की कमी पूरा करता है, खून साफ करता है, गांठ में काम आता है। थायरोडॉक है, थायराइड के लिए है। पाइलोडॉक पाइल्स के लिए है। डाइवोडॉक है, ये शुगर के लिए है। शुगर में होता क्या है, शुगर में होता है कि हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, ख़राब हो जाता है। अब पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगा तो ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ जाता है, तो एलोपैथ में साइड से दवा दे दिया जाता है उसको कम करने के लिए, अब उसके साइड इफेक्ट दुनिया भर के हो जाते हैं। हमारा जो डाइवोडॉक है ये पैनक्रियाज पे काम करता है और पैनक्रिया को दोबारा से एक्टिव कर देता है, और एक्टिव करने के बाद फिर पैनक्रिया इंसुलिन बनाने लगेगा, शुगर लेवल ठीक रहेगा। अब शरीर मेंटेन रखिए, जैसे घर का मोटर खराब हो गया तो रिपेयर करने के बाद अब उसको ओवरलोड देंगे तो खराब होगा ही, उसको आप मेंटेन रखिए, कम लोड दे के चलाइए, सही चलेगा। वैसे ही खान पान मेंटेन रखिए और वॉकिंग, ये सब शरीर को फिट रखिए, शुगर दूर रहेगा। हार्ट की समस्या के लिए वैसे ही आपको बता दिया, यहाँ तक कि कैंसर भी सेकेंड स्टेज तक के हमारे प्रोडक्ट से ठीक होते हैं। हमारा प्रोडक्ट है सबसे हीरो प्रोडक्ट बोलिए तो हमारा छोटा सा प्रोडक्ट है डेंटोडॉक, जो नाम से ही ये क्लियर हो रहा है कि हमारा टूथपेस्ट है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ दावे के साथ बता सकता हूँ कि इसके बराबरी का टूथपेस्ट आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार हमारा पेस्ट यूज कर लिया, आपको दुनिया में कोई भी पेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। ये मुंह के सारी समस्याओं के लिए तो है ही, लेकिन माउथ कैंसर भी ठीक करता है। उसके बाद अगर कहीं भी घाव हो, कैंसर का भी घाव हो, उस पर लगा सकते हैं। हमारा पंच तुलसी है, बाकी पंच तुलसी 20 ड्रॉप, हमारा पंच तुलसी 1 ड्रॉप, और 200 बीमारियों से आपको बचाता है। यहाँ तक कि छींक भी 5 किलोमीटर दूर रहेगी अगर हमारा पंच तुलसी को यूज करता है। तो ऐसे करके 125 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास हैं। आपको सिंपल वे में बता दूं तो छोटी से छोटी समस्या आँख से लेके और कैंसर तक हमारे कंपनी में हर चीज़ का परमानेंट इलाज है, परमानेंट सॉल्यूशन है। अब ये परमानेंट सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ तो कोई ऐसा नहीं है कि अमर हो जाएगा, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि अगर आप किसी आदमी को डॉक्टर ने बोला है कि आपका लीवर ख़राब है, आप 2 दिन में मरने वाले हो,
किडनी खराब है, आप इतने दिन में मरने वाले हो, जो डॉक्टर जहां आपको दिन बता दिया, हम लोग गारंटी के साथ उतने साल बढ़ा दो उसमें। अगर वो दो दिन बोला है तो दो साल से ऊपर, अगर वो दस दिन बोला है तो दस साल से ऊपर, उतना साल तो ज़रूर हमारा प्रोडक्ट बढ़ा देगा। तो ये रहा हमारा एसलीपीएस वेलनेस का हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ के बारे में प्लान। अब अगला प्लान मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इनकम कैसे होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्लान में मिलते हैं।